सेनेट ज़मीनी इंतखाब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, ख्वाजा अहमद हसान, उमर सरफराज जीमा की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। यास्मीन राशिद, जहीर अब्बास खोकर की तजवीज कुनंदा हैं। रिटर्निंग अफसर ने जांच पड़ताल के बाद हाफिज नुमान के कागजात मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत, चीफ जस्टिस साकिब निसार अदालत पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर साइलीन की बड़ी तादाद जमा। जाती उम्रा में फजा सोकवार ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। बेगम कुलसुम नवाज की रस्म कुल कल अदा की जाएगी। कुल खानी नमाज असर से मगरिब के दरमियान होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की परोल की मुद्दत सोमवार को खत्म होगी। दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। वजारत दाखिला ने तीनों को परोल पर रिहाई दी थी। तुर्क वजीर खारजा की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसुम नवाज की वफात पर इजहार ताजियत। तुर्क अवाम की जानिब से भी ताजियती प्रोग्राम। सिंहपुरा में जीटी रोड पर तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचल दिया। 4 साला फरहान मौका पर जा बहक। बस ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अताइयों के खिलाफ शिकंजा कसने लगा मिल्क पार्क और खोकर टाउन में कार्रवाइयां। शफीक क्लिनिक, मियां डेंटल क्लिनिक समेत 4 क्लिनिक सरबमहर कर दिया। ताई, स्टेयर राइड और इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं डिप्टी कमिश्नर। कॉमसर्स यूनिवर्सिटी और एवर्स इंटरनेशनल के तहत पाक चाइना बिजनेस फोरम एक्सपो का आगाज। 300 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों के स्टॉल सज गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बोले पाक चीन दोस्ती को फरोग देंगे, तजारती ताल्लुकात को मजबूत करेंगे।